सो ये गाइस, आज के वीडियो के अंदर बात करने वाले फ्री फायर रिस्टार्ट प्रॉब्लम को लेकर। यस गाइस, आपने देखा हो जब आप अपने फ्री फायर गेम को खेलते हो तो या फिर किसी की कॉल आ जाती है या फिर तुम कुछ काम करने के लिए गेम को मिनिमाइज करके गेम को बैकग्राउंड में छोड़ के कहीं चले जाते हो। फिर आप दोबारा से जब गेम को ओपन करते हो तो जहाँ आपने गेम छोड़ा होता है वहाँ वो ओपन नहीं होता, वो दोबारा से आपका गेम रिस्टार्ट होता है, पूरी लोडिंग लेता है एंड रिकनेक्ट होकर तब आपको गेम में छोड़ता है। तो मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है, आपकी रैंक वगैरह ही माइनस हो जाती है एंड कभी कभी तो रिकनेक्ट भी नहीं होता, जिससे आपकी रैंक बहुत गंदी वाली माइनस हो जाती है। एंड जब आप गेम को छोड़ के चले जाते हो फिर दोबारा से ओपन करते हो तो बहुत टाइम लग जाता है गेम को खुलने में, जिससे आप गेम में मर भी जाते हो कभी कभी तो। एंड मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं। तो अगर आपका ही फ्री फायर गेम रीस्टार्ट प्रॉब्लम आपके फ़ोन में आ रही है तो ये वीडियो आपसे मेरे के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली। कुछ नहीं करना, बट ध्यान से वीडियो को आप लास्ट तक वॉच करना, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सो देखो, गेम रीस्टार्ट की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बेसिकली मैं आपको 3 से 4 टिप्स को बताने वाला हूँ, बस वही आपको फॉलो करनी है, आपका काम हो जाएगा। सबसे पहली टिप हम स्टार्ट करेंगे डेवलपर ऑप्शन से। तो आपको अपनी सेटिंग में जाना है एंड आपको अपने डेवलपर ऑप्शन को इनेबल करना है। अगर आपका डेवलपर ऑप्शन इनेबल है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो मैं बताया था आपको कैसे इनेबल करना है। आपको अपने फोन के ऐप अबाउट फोन में जाना है एंड ऐप अबाउट फोन में जैसे ही जाओगे यहाँ आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा जिसका नाम होगा बिल्ड नंबर का। इस पर आपको 4 से 5 बार क्लिक करते रहना, टैप 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 करके आपका डेवलपर ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। अब देखो, आपको डेवलपर ऑप्शन को ओपन करना है। अब देखो, मैं सर्च करके अपना डेवलपर ऑप्शन जो है ओपन कर लेता हूँ। तो देख सकते हो गाइस, मेरा डेवलपर ऑप्शन इनेबल हो चुका है। यहाँ आपको 2-3 सेटिंग करनी है जिसकी वजह से आपका गेम रिस्टार्ट होता है, ठीक है। अगर वो सेटिंग कर दोगे तो वो रीस्टार्ट नहीं होगा एंड इसके अलावा भी बहुत सारी सेटिंग है, वो भी बताऊंगा, बस ध्यान से वीडियो को आप लास्ट तक वॉच कर लेना। अब देखो, इसमें एक सेटिंग में आपको बता देता हूँ इसके। देखो, उसके लिए कुछ नहीं करना, आपको नीचे जाना है एंड यहाँ पर आपको 2 सेटिंग देखने को मिलेंगी, डोंट कीप एक्टिविटी एंड सेकेंड सेटिंग देखने को मिलेगी बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट। तो सबसे पहली बात, आपको डोंट कीप एक्टिविटीज़ को यहाँ से ऑफ कर देना है एंड बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट को आपको स्टैंडर्ड लिमिट पर क्लिक कर देना है। अब ध्यान रहे, अगर आप नो कर दोगे तो आपका गेम रीस्टार्ट होगा, आपको इसको स्टैंडर्ड लिमिट पर कर देना है एंड डोंट कीप एक्टिविटी को आपको ऑफ कर देना है। ये 2 सेटिंग करनी है आपको डेवलपर ऑप्शन में। सो अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट टिप के बारे में। नेक्स्ट टिप में आपको क्या कुछ करना है, आपको अपने गेम पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर क्लिक करके आपको ऐप इन्फॉर्मेशन में चले जाना है। अगर आप यहाँ से ऐप इन्फॉर्मेशन में नहीं आते हो तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको एक और रास्ता बता देता हूँ यहाँ जाने का। आपको दोबारा से सेटिंग पर ही क्लिक करना है एंड सेटिंग पर क्लिक करने के बाद आपको ऐप्स में चले जाना है एंड यहाँ पर आपको ऐप मैनेजमेंट या फिर मैनेज ऐप का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा आपके फोन में। किसी भी तरीके से हो सकता है बट होगा। एंड यहाँ आपको देखो फ्री फायर को ढूंढ लेना है। देखो, ये रहा मेरा फ्री फायर मैक्स, इस पर आपको क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा जिसका नाम होगा बैटरी यूजेस, इस पर आपको क्लिक करना है। एंड गाइस, देखो यहाँ पर आपको बहुत सारी सेटिंग देखने को मिल जाएंगी। आपको क्या कुछ करना है, आपको एलाओ बैकग्राउंड एक्टिविटी को इनेबल कर देना है। अब इससे क्या कुछ होगा, आप जैसे एलाओ बैकग्राउंड एक्टिविटी को इनेबल कर दोगे तो इससे सीन ये होगा, जैसे आप मेरे गेम को छोड़ के दोबारा से आओगे तो आपका गेम दोबारा से ओपन होगा। अब देखो गाइस, मैं आपको कुछ एडवांस में भी कुछ टिप्स को बता देता हूँ। इसी के साथ ही गाइस, देखो आपको भी बैटरी सेवर ऑन करके फ्री फायर को नहीं खेलना है। बैटरी सेवर को ऑन कर लोगे तो आपका ऑटोमेटिक ये आपकी एलाओ बैकग्राउंड प्रोसेस, हमने एलाओ किया ना जो बैकग्राउंड एक्टिविटी, ये ऑफ कर देता है आपका बैटरी सेवर। तो आपको बैटरी सेवर लगा के अगर आप फ्री फायर खेलोगे आपका गेम रीस्टार्ट ही होगा। एंड गाइस, उसी के साथ ही मैं बता दूं, अगर आपके पास 1 GB रैम है तो 1 GB रैम में इन सेटिंग को आप कर लेना, हो सकता है आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। बिकॉज 1 GB रैम में प्रॉब्लम लो रैम की वजह से आती है, न कि इन चीज़ों की वजह से। अगर इन चीज़ों की वजह से आ रही होगी तो वो सॉल्व हो जाएगी, अगर रैम की वजह से तो भाई उसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता। बिकॉज आपकी लो रैम है, आपका गेम रीस्टार्ट ही होगा, मतलब दोबारा से ओपन होगा। आपका फ़ोन में इतनी वो नहीं है जिसको बैकग्राउंड में गेम को चला पाए। तो गाइस, ये कुछ सेटिंग थी। अब देखो, ये इसका पार्ट वन है। पार्ट वन में मुझे लगता है 50 से 60% बंदों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हो तो यस लिख देना, अगर नहीं होती है तो नो लिख देना, मैं पार्ट टू भी लेकर आ जाऊंगा एंड क्या प्रॉब्लम है वो भी बता देना। सो गाइस, बस इस वीडियो में बता देना। जब तक के लिए गाइस, टाटा एंड बाय बाय एंड लव यू ऑल।